जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शिमला मिर्च का भरवा, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये अलग तरीके से मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, जो बहुत ही लाजवाब बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूँ आप लोगों को मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। और आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और सीख भी मिलेगा। तो भरवा बनाने के लिए छोटे मैंने शिमले मिर्च मंगाया है मीडियम साइज़ का। तो मैं ये छोटे छोटे शिमले मिर्च पहले काटूंगी, आप लोगों को मैं दिखा दूँ किस तरीके से मैं काटती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा शिमला मिर्च है, लेकिन इतना शिमला मिर्च का मैं नहीं बनाऊंगी। जो मुझे चाहिए मैं इस प्लेट में ले रही हूँ, और जो छोटा है उसी का मैं भरवा बना रही हूँ। तो दोस्तों, इतना शिमला मिर्च का मैं भरवा बनाऊंगी, और इस शिमले मिर्च को मुझे धुल करके रख लेना है। फिर मैं इसको काट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से काट करके इसका डंठल जो है निकाल देना है। इस तरीके से बीज से हम काटेंगे और इसका सारा डंठल और जो बीज होता है वो निकाल देंगे। वैसे इसमें बीज भी उतना है नहीं दोस्तों, जो है मैं निकाल दे रही हूँ। तो ऐसे करके आप लोग भी ऐसे किनारे किनारे से पहले इसको काट करके निकाल लीजिए। इस तरीके से ऐसे करके मैं सारा मिर्चा को साफ कर ले रही हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, सारा मिर्चा मैंने उसका बीज और डंठल को निकाल दिया है। इतना सारा बीज और डंठल निकला है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये देखिए, ये मूंगफली का दाना है। तो ये मूंगफली का दाना मुझे पहले फ्राई कर लेना है दोस्तों। बिना तेल में ही इसको मैं फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। तो इसको मैं भून लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमने भून लिया है मूंगफली का दाना, इसको हम निकाल लेते हैं। मसाला भून लेते हैं दोस्तों। तो इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और ये दो हरी मिर्च हम इसमें काट करके डाल दे रहे हैं दोस्तों। इसमें डाल देंगे जीरा दोस्तों, जीरा और मिर्च को हम थोड़ी देर भून लेंगे। और इसको हम ठंडा होने के बाद दोस्तों, मूंगफली दाना को ठंडा होने के बाद इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी, वो भी बिना पानी डाले हुए। तो जीरा हमारा भून चुका है दोस्तों। अब मैं इसमें ये दो प्याज मैंने लिया है, इसको भी डाल देते हैं। प्याज हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा डाल रहे हैं। प्याज को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, देखिए लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें डाली दोस्तों मसाला। मसाले में हम डालेंगे हल्दी, दो चम्मच धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इसमें डालेंगे सबसे अहम चीज़, आमचूर पाउडर। उसके बाद आंच को हम धीमी कर लेंगे, और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे दोस्तों। और इसको धीमी धीमी आंच में थोड़ी देर हम भून लेंगे, ताकि मसाला का जो कच्चापन है वो निकल जाए।
और दोस्तों ये आलू है जो कि मैंने सुबह इसको छौंका था, बच्चों के लिए सैंडविच बनाया था तो थोड़ा सा बच गया है, तो ये आलू मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप इस आलू थोड़ा और भी ले सकते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे आलू को भी। देखिए ये हमने मूंगफली का दाना जो भुना था वो पीस लिया है, अब इसको भी इसी में डाल देते हैं। मूंगफली का दाना डालने से दोस्तों टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप ज़रूर एक बार इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और हाँ दोस्तों ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है तो इसको भी मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा और चटपटा हो जाएगा। उसके बाद इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। ये अब शिमला मिर्च में भर के दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको हमें अच्छे से भर लेना है शिमला मिर्च में दोस्तों। इस तरीके से हम भर देंगे दोस्तों। ऐसे ही भर सकते हैं, ये देखिए। तो कढ़ाई हमने रख दिया है गरम होने के लिए दोस्तों, और सारा शिमला मिर्च भर लिया है ये देखिए, इस तरीके से मैंने दबा दबा करके भर दिया है। तो कढ़ाई को हम इसी कढ़ाई में हम दोस्तों फिर से लगाएंगे तड़का, तो उसके लिए हम डाल दे रहे हैं तेल, सरसों का तेल ही डाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च को। और इसको अच्छे से तेल में मिला लेंगे। और गैस को हम धीमा कर देते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। और उलट पलट देते हैं, इस साइड कर देते हैं ताकि इस साइड भी पक जाए हमारा। और याद तो देख सकते हैं दोस्तों, भरवा मेरा बनकर हो गया है तैयार, और गैस मैंने बंद कर दिया है। और देख लीजिए कितना अच्छा बना है। अभी थोड़ी देर में जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए शिमला मिर्च को मैंने प्लेट में निकाल दिया है, ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गया है, देख लीजिए। और गला गला ही कलौंजी अच्छा लगता है, तो इसको मैं एक काट करके आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों इस चाकू से। एकदम से ये गल गया है दोस्तों, और एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, तो ये देखिए कितना अच्छा बना है और कितना गल गया है। तो ऐसे ही आप लोग भी बना करके खाइएगा और खिलाइएगा, और आप लोग का तारीफ़ भी सब लोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा।